नमस्ते जी। तो मैं हिमालय में पिछले 6 साल से ट्रैकिंग कर रहा हूँ और रिसेंटली मैं एक एक्सप्लोरेशन ट्रैक के लिए गया जहाँ पे मैंने अपना बैकपैक, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट, राशन, टेंट सब कुछ खुद कैरी किया। और इतना हैवी बैकपैक कैरी करने के साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पोल की बजाय 2 ट्रैक पोल भी यूज़ करके देखता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही मेरा ट्रैक आगे बढ़ता गया मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि 2 ट्रैकिंग पोल यूज़ करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि जैसे ये ट्रैक खत्म होगा मैं आप सभी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जहाँ पे मैं एक नहीं बल्कि 2 ट्रैक पोल यूज़ करने के बेनिफिट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ बेनिफिट्स मेरी तरफ से, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है कि ये आपकी एनर्जी कंजम्पशन को बहुत हद तक कम कर देता है। जब आप 2 ट्रैक पोल यूज़ करते हैं तो आपके 2 के बजाय 4 पैर हो जाते हैं। आपने हिमालय में देखा ही होगा कि माउंटेन गोट्स या फिर 4 पैर पे चलने वाले जानवर कितनी आसानी से एफर्टलेसली ट्रेल के ऊपर चलते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रैकर्स एंड माउंटेनियर्स भी 2 ट्रैक पोल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो अगर आप 1 ट्रैक पोल यूज़ कर रहे हैं तो 1 पैर पर, अगर आप 2 ट्रैक पोल यूज़ कर रहे हैं तो आपके 2 पैर एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं और आप बहुत ही एफर्टलेसली एंड कम्फर्टेबली ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है कि आपके 2 ट्रैक पोल्स आपको बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। अब आपको पता ही है कि हिमालय में ट्रैक करते हुए कभी आप एसेंड करते हैं तो कभी डिसेंड, एंड टाइम टू टाइम आपका ग्रेडियंट भी चेंज होता रहता है। कभी तो आप ग्रेजुअल एसेंट पे होते हैं तो कभी स्टीप। ऐसे में आपके हर एक स्टेप के साथ ट्रेल के ऊपर बॉडी वेट राइट से लेके लेफ्ट तक शिफ्ट होता है और ऐसे में बॉडी बैलेंस लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और शायद आप ट्रिप भी कर सकते हैं। पर अगर आपके पास 2 ट्रैक पोल हैं तो आप 2 ट्रैक पोल की मदद से अपनी बॉडी को अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रेल के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है कि आप अपने 2 ट्रैक पोल का इस्तेमाल किसी भी टाइप के टेरेन के ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग करते हुए। रिवर क्रॉसिंग तो वैसे भी बहुत ट्रिकी होती है, पर अगर आपके पास 2 ट्रैक पोल हैं तो आप रिवर के करंट के अगेंस्ट उसको यूज़ करके कम्फर्टेबली अपने रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। विंटर में स्नो ट्रेल पे ट्रैक करना बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत ही आसानी से फॉल हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आप अपने 2 ट्रैक पोल का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड लास्टली, अगर आप किसी अनश्योर स्टीप ट्रेल के ऊपर हैं तो वहाँ पे ट्रेल को चेक करने के लिए भी आप अपने 2 ट्रैक पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइप के टेरेन के ऊपर ट्रैक कर रहे हो, आपके 2 ट्रैक पोल्स बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। फोर्थ बेनिफिट है कि आपके 2 ट्रैक पोल, एक नहीं 2 ट्रैक पोल्स आपकी नीज के ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। आपको पता ही है कि ट्रैकिंग अपने आप में एक लोअर बॉडी वर्कआउट है जहाँ पे आप अपने हैवी बैकपैक खुद कैरी करके ट्रैक के ऊपर कभी स्टीप असेंट तो कभी डिसेंड करते हैं। स्पेशली डिसेंड करते हुए आपका सारा बॉडी वेट नीज के ऊपर आता है और ऐसे टाइम पे अगर आप 2 ट्रैक पोल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लोअर बॉडी से वेट रिड्यूस करके आपके हैंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर आप अपनी ट्रैकिंग की उम्र ज़्यादा लंबी करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप 2 ट्रैक पोल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी नीज के ऊपर से वेट डिस्ट्रीब्यूट करके उसको फुल बॉडी वर्कआउट बना दें। फिफ्थ आपका एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। अब आपको पता है कि ट्रैकिंग पे काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। अब ऐसे में आपके 2 ट्रैक पोल कई जगहों पे इस्तेमाल आ सकता है, जैसे कि इंजरी के टाइम पे आप स्प्लिंट बनाने के काम भी ला सकते हैं या फिर किसी को इवैक्यूएट करना है तो एक मेकशिफ्ट स्ट्रेचर भी बना सकते हैं। और अगर आप किसी ट्रिकी सेक्शन पे हैं और किसी को एक्सटेंडेड आर्म चाहिए तो ऐसे में आप अपने 2 ट्रैक पोल को एक्सटेंड करके किसी इंसान को पुल भी कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ट्रैक पोल कई जगहों पर अलग अलग चीज़ों के लिए काम भी आ सकता है। तो ये था आपका एक एडिशनल बेनिफिट 2 ट्रैक पोल्स यूज़ करने का। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करे जो कि मैंने अपने ट्रैक पे 2 ट्रैक पोल्स यूज़ करते हुए महसूस करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नेक्स्ट ट्रैक पे 1 के बजाय 2 ट्रैक पोल यूज़ करेंगे और अपने ट्रैक को कंफर्टेबल बनाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए या अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर छोड़ें। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्ते बोलता हूँ। मैं चला अपने नेक्स्ट ट्रैक पे और जल्दी लौटूंगा और ज़्यादा वीडियोज़ के साथ। और हाँ, हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।